नमस्ते, गुड डे, आदाब। सिंगर फैशन मेकर चुनने के लिए आपको बधाई। मैं हूँ रुचिशा और हमारे साथ है सिंगर एक्सपर्ट रेनु। हाय रेनु। हेलो। इनकी मदद से हम सिंगर फैशन मेकर को जानेंगे, राइट रेनु? श्योर। आपका ये प्रोडक्ट एक साथ कई काम करने वाली अत्यंत सुविधाजनक सिलाई मशीन है, जिसे आप अपने घर बैठे ही काफी डेकोरेटिव काम कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इस फैशन मेकर के मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं। ये है फुट कंट्रोलर। फुट कंट्रोलर मशीन के साइड में प्लग के जरिए जुड़ता है और फिर वॉल सॉकेट तक जाता है। अब पावर स्विच से मशीन को ऑन करें। ये है प्रेशर फुट लिफ्टर, जो कि मशीन के पीछे है। इसका इस्तेमाल प्रेशर बार को उठाने या नीचे करने के लिए किया जाता है। जब आप सिलाई करने का काम शुरू करें तो प्रेशर फुट के नीचे कपड़े को डालने के लिए, या जब आप सिलाई करना खत्म करें तो कपड़े को निकालने के लिए इसे उठाएं। सिलाई करने के बाद धागे को काटें। ये है पैटर्न सिलेक्टर डायल। आप जो भी पैटर्न सिलेक्ट करना चाहते हैं, उसे सिलेक्ट करने में और कांच को सिलेक्ट करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्या आप स्टिच को छोटा या बड़ा बनाना चाहते हैं? ये देखिए, स्टिच लेंथ डायल ये टांकों को छोटा बड़ा करने में सहायता करता है। सिलाई को पक्का करने के लिए आप रिवर्स लीवर का इस्तेमाल करें। ये यहाँ पर मशीन के ठीक सामने है। ये है हैंड व्हील, जिसका इस्तेमाल हाथ से सुई को ऊपर नीचे करने में किया जाता है। ये है एक्सटेंशन टेबल। इसे हल्के दबाव से पकड़ें और बाएं तरफ खींचें। जब आपको मुश्किल हिस्सों जैसे सलवार के पोंछे या पैंट की लंबाई छोटी करनी हो, या फिर बच्चों के कपड़ों की सिलाई करने की जरूरत हो, तो आप इस एक्सटेंशन टेबल को हटाकर अपने मशीन को चंद सेकंड में फ्लैट बेड से फ्री आर्म मशीन में बदल सकते हैं। और तो और, इसमें आप अपनी मशीन की एक्सेसरीज को सुविधाजनक तरीके से रख भी सकते हैं। चलिए अब हम आपको ये दिखाते हैं कि बॉबिन में धागे को कैसे लपेटा जाता है। धागे को स्पूल पिन के ऊपर रखें, फिर उसे स्पूल से इस तरह बाहर निकालें। अब धागे को अपने दाएं हाथ से खिंचाव बनाते हुए गाइड के सामने लाएं। धागे के सिरे को बॉबिन के आर पार इस तरह डालें, ताकि वो बीच के भाग से और फिर बॉबिन के छेद से बाहर निकले। अब बॉबिन को बॉबिन वाइंडिंग स्पिंडल पर रखें। बॉबिन वाइंडिंग स्पिंडल को दाईं तरफ पुश करने का ध्यान रखें। ये करना बहुत जरूरी है। इससे जब भी आप बॉबिन में धागे को लपेटेंगे तो आपकी सुई ऊपर नीचे नहीं होगी। अब टेंशन डिस्क को 4 और 5 के बीच में सेट करें। धागे का सिरा पकड़ कर रखें और फिर फुट कंट्रोलर पर दबाव दें, जिससे कि बॉबिन में धागे का भरना शुरू हो जाए। जब धागा भर जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। मशीन से बॉबिन को हटाने के लिए स्पिंडल और बॉबिन दोनों को बाईं तरफ पुश कीजिए। ऐसा क्यों? जवाब बिल्कुल आसान है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगी तो आपके द्वारा फुट कंट्रोलर दबाए जाने पर सुई ऊपर नीचे नहीं होगी।
अगर आप ऐसा करते हैं तो सुई सिलाई की पोजीशन में आ जाएगी। अब बॉबिन को बॉबिन वाइंडिंग स्पिंडल से हटाएं और फिर धागे को काटें। वैसे तो बॉबिन को लगाना बहुत ही आसान है, पर यदि आप इसे पहली बार लगा रहे हैं तो आपको ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है। इसलिए जो भी स्टेप्स दिखाए जा रहे हैं उन्हें ध्यान से देखिए ताकि कोई गलती ना हो। बॉबिन को फिट करने या निकालने के लिए हैंड व्हील को अपनी तरफ घुमाएं ताकि सुई इस तरह ऊपर आ जाए। एक्सटेंशन टेबल को मशीन से निकालें और फिर फ्लैप को खोलें। अब बॉबिन केस को क्लिप से पकड़ें और बाहर निकालें। अब धागे को बॉबिन केस के कट के रास्ते इस तरह बाहर निकालें। अब बॉबिन केस को वापस अपनी जगह पर इस तरह लगा दें। फ्लैप को बंद करें और एक्सटेंशन टेबल को वापस लगाएं। धागे को स्पूल पिन में लगाकर स्टॉपर को लगाएं। हैंड व्हील को घुमाकर टेकअप लीवर को सबसे ऊपर की पोजीशन में ले आएं। फिर धागे को बाईं तरफ से नंबर एक में से लाते हुए नंबर दो से ले जाएं। फिर नंबर तीन से यू टर्न करते हुए नंबर चार यानी टेकअप लीवर से घुमाते हुए नंबर पांच तक लाएं। अब इस तरह सुई में धागे को पिरोएं। सिलाई शुरू करने से पहले बॉबिन के धागे को ऊपर करें। अपने बाएं हाथ से केवल ऊपरी धागे को पकड़ें। अब हैंड व्हील को अपनी तरफ घुमाएं, जिससे सुई धागे को लाते हुए ऊपर हो जाएगी। ये ध्यान रखें कि हैंड व्हील आगे की तरफ ही मूव करे। आप जैसे ही हैंड व्हील घुमाते हैं सुई धागे को हल्के तौर पर खींचेगी। बॉबिन का धागा होल के रास्ते ऊपर खिंच जाएगा। बॉबिन के धागे को खींचने के बाद दोनों धागों को प्रेशर फुट के नीचे पीछे की तरफ करें। चलिए अब आपको मशीन में सुई लगाने की प्रोसेस दिखाते हैं। पहले हैंड व्हील को अपनी तरफ घुमाकर सुई को उसकी एकदम ऊपर की पोजीशन तक उठाएं। ऐसा तब तक करते रहें जब तक कि सुई फिर से नीचे जाना शुरू ना कर दे। स्क्रू ड्राइवर की मदद से नीडल क्लैंप को ढीला करें और सुई को निकालें। स्क्रू ड्राइवर आपकी मशीन के एक्सेसरी बॉक्स में उपलब्ध है। सुई लगाते वक्त ध्यान रखें कि सुई की फ्लैट साइड अंदर की तरफ रखें, इस तरह। आपकी मशीन के साथ कई प्रेशर फीट हैं। कुछ प्रेशर फीट आपको आपकी नई मशीन के साथ पहले ही उपलब्ध करा दिए गए हैं, पर आप डेकोरेटिव स्टिच के लिए सिंगा आउटलेट से स्पेशल प्रेशर फीट भी खरीद सकते हैं। रफलर फुट अटैचमेंट और फ्लावर स्टिच अटैचमेंट ऐसे दो अतिरिक्त प्रेशर फीट हैं जो सभी फैशन मेकअप मशीनों में फिट हो जाते हैं। इन एडिशनल प्रेशर फीट से आप अपने क्रिएटिव स्टिचेस में और वैरायटी ला सकते हैं। कुछ फीट आसानी से लग जाते हैं और अलग हो सकते हैं, जबकि कुछ एक स्क्रू से जुड़े होते हैं जिसे स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल करके निकालना पड़ता है। अब आइए देखते हैं कि प्रेशर फीट को कैसे बदला जाता है। आपकी मशीन के पीछे एक रिलीज लीवर है। रिलीज लीवर को दबाएं और फुट अलग हो जाएगा। फुट को प्रेशर फुट पिन के साथ फुट होल्डर की सीध में नीडल प्लेट पर रखें। प्रेशर फुट लिफ्टर को नीचे करें ताकि फुट होल्डर फुट पर ठीक से बंद हो जाए। जिन फीट में स्क्रू पहले से ही जुड़ा हुआ है उनके लिए ये जरूरी है कि नए फुट को लगाने के लिए मशीन से फुट को हटा दिया जाए। स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल करके मशीन से फुट को पूरी तरह हटा दें। नए फुट को उसकी जगह पर सेट करें। काम शुरू करने से पहले अपना स्टिच चेक करना ना भूलें। कपड़े को प्रेशर फुट के नीचे दबाएं, उसे नीचे करें और फिर अपना स्टिच सिलेक्ट करते हुए फुट कंट्रोलर को दबाएं।
और हाँ, याद रखें, मशीन से कपड़ा हटाने से पहले हैंड व्हील को एंटी क्लॉकवाइज यानी उल्टी दिशा में तब तक घुमाते रहें जब तक सुई अपनी एकदम ऊपर की पोजीशन में ना आ जाए और सुई नीचे की तरफ आना ना शुरू कर दे। कपड़ा हटाने के लिए प्रेशर फुट लिफ्टर को उठाएं। आप ज्यादातर सिलाइयों के लिए थ्रेड टेंशन डायल को 3 और 4 के बीच सेट करें। शेल स्टिच और स्कैल्प स्टिच सबसे अधिक पॉपुलर डेकोरेटिव स्टिचेस हैं। कपड़े, क्राफ्ट्स या होम डेकोरेशन कैसे दिखने चाहिए ये उसका नजरिया बदल देते हैं। स्टिच लेंथ डायल को फैब्रिक और उसके उपयोग के अनुकूल घुमाएं। आप डेकोरेटिव स्टिचेस करते समय फैब्रिक पेस्टिंग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं ताकि शेप बिगड़ने से उन्हें बचाया जा सके। सुंदर और सजावटी बनाने के लिए रिबन, ट्रिम्स, पॉलिएस्टर और रेयॉन धागों का इस्तेमाल करें। ये हैं कुछ डेकोरेटिव स्टिचेस के सैंपल्स। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल काज का संबंध केवल बटनों के लिए होल बनाने से नहीं होता, काज को कई और डेकोरेटिव्स के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे घर के पर्दे, मोबाइल कवर्स, कुशन कवर्स, हैंडबैग्स, जिसका मतलब ये हुआ कि डेकोरेटिव्स की एक पूरी दुनिया तैयार करना। इसमें 4 स्टेप बटन होल होता है। लेंथ को 0 से 1 के बीच रखें। आप अपनी मशीन में 4 स्टेप बटन होल बनाने के लिए स्टेप 1 में पैटर्न सिलेक्टर को सेट करें। बटन होल फुट को अटैच करें। एक फैब्रिक मार्कर के साथ कपड़े पर निशान लगाएं ताकि आप ये जान सके कि आपको बटन होल की एग्जैक्टली कहां सिलाई करनी है। बटन होल के पहले स्टेप को करें। सुई के कपड़े से दूर उठने के साथ पैटर्न सिलेक्टर को स्टेप 2 पर घुमाएं। फिर सिलाई करना शुरू करें। जब स्टेप 2 पूरा हो जाए तो स्टेप 3 के लिए डायल को घुमाएं। अब दोबारा सिलाई करें। एक बार कर दिए जाने के बाद स्टेप 4 सिलेक्ट करें और सिलाई करें। सिंगल फैशन मेकर के साथ बटन लगाना भी आसान है, इसलिए इसकी सहायता से आप ये काम भी कर सकते हैं। बटन लगाने के लिए पहले बटन फुट को लगाएं। स्टिच लेंथ डायल को 0 पे सेट करें। बटन के होल के हिसाब से ज़िगज़ैग पैटर्न का डिस्टेंस सेट करें। कपड़े और बटन को बटन फुट के नीचे इस तरह सेट करें कि बटन के 2 होल फुट के बीच में आए। अब हैंड व्हील को घुमाकर चेक करें कि सुई बटन के दोनों होल में से जा रही है। सिलाई शुरू करें। अब बाकी दोनों होल की बारी। इस तरह यदि आपको फैब्रिक पर जिप लगानी हो तो आप क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। पैटर्न सिलेक्टर को इस पोजीशन पर ले आइए। कपड़े की मोटाई के अनुसार स्टिच लेंथ कंट्रोल को 1 और 4 के बीच सेट करें। मशीन में जिपर फुट को लगाएं। जिपर फुट इस आधार पर दाएं या बाएं अटैच किया जा सकता है कि आप कपड़े के कौन से तरफ सिलाई करने जा रहे हैं। प्रेशर फुट को ऊपर उठाना है और जिपर फुट को प्रेशर फुट के नीचे पुश करना है। फुट को नीचे करें एंड स्टार्ट। और हाँ, आप कपड़े पर कॉर्ड या डोरी की सिलाई करने के लिए भी इसी फुट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी फैशन मेकर रफू या मेंडिंग करने के लिए भी तैयार है। 3 स्टिच ज़िगज़ैग पैटर्न को सिलेक्ट करें और स्टिच की चौड़ाई को सबसे ज्यादा पर सेट करें, जबकि स्टिच की लंबाई 0.5 और 1 के बीच होनी चाहिए। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए फुट के सेंटर को टेयर के सेंटर की सीधी रेखा में रखें। अब
अरे अब कहाँ गया टेयर? अगर आपके पास डार्निंग हुप हो तो आपको बेहतर काम करने में मदद मिलेगी। चलिए देखते हैं आपकी फैशन मेकर आपके लिए क्या कुछ कर सकती है। सिंगल फैशन मेकर के जरिए आप आसानी से पिको भी कर सकते हैं। फ्री हैंड एम्ब्रॉयडरी, पैचवर्क, मोनोग्राम, ब्लाइंड स्टिच, क्विल्टिंग और अपने घर को सजाने के लिए बहुत सारी डेकोरेटिव चीजें बना सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आपकी सिंगर फैशन मेकर और आप पूरी जिंदगी के लिए दोस्त बन जाएंगे। अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताती हूँ जिनसे आपका वास्ता सिलाई करते समय पड़ सकता है। सिलाई करते वक्त अगर आप ये देखें कि कपड़े के नीचे धागा इकट्ठा हो रहा है तो समझ लीजिए कि मशीन के ऊपर टेंशन डिस्क को सेट करना है। ऊपरी धागा टूट जाए तो मशीन में धागा दोबारा डालें, फिर धागे के खिंचाव को फिर से एडजस्ट करें। यदि निचला धागा टूट जाता है तो क्या करें? निचले धागे के खिंचाव को ढीला करने के लिए टेंशन डिस्क के नंबर को कम करें। स्किप्ड स्टिचेस की समस्या, एक नई सुई लें जो धागे और कपड़े के अनुकूल हो। बार बार सुई का टूटना, एक नई सुई ठीक तरीके से लगाएं और सही फुट को सिलेक्ट करना ना भूलें। ढीले टाकों की समस्या, थ्रेडिंग को चेक करें और धागे का खिंचाव सही रखें। कपड़े का इकट्ठा हो जाना या फिर सिकुड़ जाना और अधिक बारीक सुई सिलेक्ट करें, फिर टांके की लंबाई और धागे के खिंचाव को फिर से एडजस्ट करें। टांकों का एक समान न होना, अच्छी क्वालिटी का धागा होना चाहिए। मशीन का आवाज करना, सिंगल मल्टीपर्पस ऑयल यूज करें। तो चलिए अब आप भी घर बैठे बन जाइए एक परफेक्ट फैशन डिजाइनर और पाइए बेशुमार तारीफ अपनी फैमिली और फ्रेंड से, क्योंकि अब आपके पास है सिंगर की वर्ल्ड फेमस इजी टू यूज फैशन मेकर और इसे यूज करने की तमाम जानकारी। सो फ्रेंड्स, एड फैशन एट होम विद योर फैशन मेकर। नमस्ते, गुड डे, आदाब। सिंगर फैशन मेकर चुनने के लिए आपको बधाई। मैं हूँ रुचिशा और हमारे साथ है सिंगर एक्सपर्ट रेनु। हाय रेनु। हेलो। इनकी मदद से हम सिंगर फैशन मेकर को जानेंगे, राइट रेनु? श्योर। आपका ये प्रोडक्ट एक साथ कई काम करने वाली अत्यंत सुविधाजनक सिलाई मशीन है जिसे आप अपने घर बैठे ही काफी डेकोरेटिव काम कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इस फैशन मेकर के मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं। ये है फुट कंट्रोलर। फुट कंट्रोलर मशीन के साइड में प्लग के जरिए जुड़ता है और फिर वॉल सॉकेट तक जाता है। अब पावर स्विच से मशीन को ऑन करें। ये है प्रेशर फुट लिफ्टर जो कि मशीन के पीछे है। इसका इस्तेमाल प्रेशर बार को उठाने या नीचे